जाएंगी। शिनचैन नुहारा न्यूज। गुड आफ्टरनून कासुकाबे। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये है मेरी मॉम जो मेरे ही घर पे रहती हैं, पर आजकल नहीं रहती। मेरी मॉम यानी मिथी नुहारा अब तक घर वापस नहीं आई। और जानकारी के लिए मैं रिपोर्टर हिमावारी के पास जाऊंगा। हिमावारी, क्या? नहीं हिमावारी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो? समझ गया, इस बारे में हम और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। पता नहीं उसके पास छाता है या नहीं। मैं चला गया। तुमने शीरो को सिर पे क्यों उठाया हुआ है? शीरो ने कहा वो मेरे सर पर बैठेगा। शीरो, तुम्हें मजा आया ना? अरे इसे नीचे उतारो, देखो शीरो बिल्कुल गीला हो गया है। ओहो। लेकिन डैड, इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि शीरो की वजह से मैं गीला नहीं हुआ, और दूसरा फायदा ये कि शीरो को चलकर नहीं आना पड़ा। पर वो भीग तो गया ना? ओहो, तुम अकेले ही आए हो क्या? अच्छा तो फिर अभी ना डैड, मैं शीरो के साथ आया हूँ। मुझे लगा मिच्छी आई है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मेरे लिए चौको भी लेकर आएंगी। पर वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना बेटा। अरे अब क्या हो गया? डैड, अगर मॉम मुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाए तो आप तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक कर क्या रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहा था। जहाँ मैंने तुम्हें कहा था वहाँ तुम गए थे क्या? नहीं गए ना, मैंने कहा था तुमसे जाने को। डैड, अभी तो कुछ खा लीजिए ना। बारिश हो गई। आपने कुछ और नहीं बनाया? नहीं बेटा, अभी सिर्फ यही है, इसी को खा लो। मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर आप कब बनाएंगे? ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद बना दूंगा। हम बाहर से भी तो कुछ मंगा सकते हैं ना? नहीं मंगा सकते। पता नहीं मॉम कब आएंगी, अगर वो होती तो खाने को कुछ अच्छा मिल जाता। खाना थोड़ी देर में बना दूंगा। दीदी। बोलो मुसाई। आप यहाँ कब तक रहेंगी? वैसे आप यहाँ रहने क्यों आई हैं? वो तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। मैं नहीं मानती। मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ? हाँ, वैसे तुम भी तो मेरे घर में इतने दिनों तक रही थी ना, मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो आपके घर कितने भी दिन रह सकती हूँ, आप मेरी बड़ी बहन जो है ना। तो उससे क्या? हाँ? मैंने सोचा था कि मैं कुछ महीने तुम्हारे पास रहूंगी। क्या सच में? हाँ, रहना तो चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं? वैसे मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अब इस वक्त कौन आ गया। तो तुम जाकर देखती क्यों नहीं? देखती हूँ। अरे शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मुझे अपने खुफिया जासूसों से पता चला कि आप मुसाई मौसी के घर हैं, और फिर मैं आपसे मिलने के लिए सीधा यहाँ पर आ गया। मॉम, ये तुमने अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गए। अब क्या करेंगी दीदी, अब तो आपको जाना ही होगा। मैंने कहा ना मुसाई कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी। तो तुम यहाँ दीदी को लेने आए हो शिनचैन? तुम्हें डैड ने यहाँ भेजा है? डैड कह रहे थे तुम जाना चाहते हो तो जाओ शिनचैन। अच्छा तो ये बात है। तो ये बताओ शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने वादा किया था ना कि आप मुझे चौको भी देंगी। हाँ? मैंने तुमसे कब वादा किया? आप चाहे क्यों ना भूल गई हो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूला। हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। किया था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? किया था, मैं कह रहा हूँ किया था। ये आपकी पुरानी आदत है, आप हमेशा वादा करती हैं और फिर भूल जाती हैं। दीदी, मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती हूँ, समझी? मेरे पास इसका सबूत भी है। हाँ, सबूत? ये देखिए। हाँ, ये क्या है? इस बुक में लिखा है कि आपने कौन कौन से वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। ये बुक तुम्हें कब और कहाँ से मिली मुसाई? किसकी बुक है मौसी? ये मेरी नोटबुक है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। आपको कुछ याद आया मॉम? नहीं, कुछ भी याद नहीं आया।
मैं जब आपके घर आई थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग ले जाएंगी, पर आप अकेले ही चली गयी। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दीदी। क्या आइडिया दिया है मुसाई मौसी, मैं भी ऐसी बुक बनाऊंगा। ये बुक मुझे दो तुम। तुमने पता नहीं क्या बेकार की चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैंने कुछ भी बेकार नहीं लिखा है दीदी, आपने जो किया बस वही लिखा है। हाँ हाँ। ओह पता नहीं तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब भी अगर वादा नहीं पूरा करेंगी तो मैं इसमें लिख लूंगी। हाँ? मुसाई मैं जानती हूँ तुम चीजें संभाल कर रखने में शुरू से ही तेज हो, विश्वास ही नहीं होता कि तुमने सब चीजें लिख कर रख ली हैं। लगता है घर जाने का वक्त हो गया, अब घर चलना चाहिए। सुनो शिनचैन, तुम ये रख लो बेटा। नया 100 रुपए का सिक्का। बेटा सिक्के को ध्यान से रखना, कहीं रास्ते में गिरा मत देना। अच्छा, और सीधा घर जाना। ठीक है। रुक जाओ, वो मेरा सिक्का है। अरे 100 रुपए की तो बात है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। दीदी कब घर जाएंगी? अच्छा शिनचैन, ये बताओ कि तुम अपनी मॉम से मिलने मुझसे बिना पूछे क्यों चले गए? मैं नहीं चाहता था कि मॉम को बाद में पछतावा हो कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। पूछ कर भी तो जा सकते थे। अगली बार से पूछ कर जाना। आज सारा खाना मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है ना? खाना तो बहुत टेस्टी बना है, पर इसमें नमक थोड़ा कम है दीदी। मुसाई मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस होगा। याद है बचपन में हम दोनों साथ साथ सोते थे, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना? इससे मुझे अचानक कुछ याद आ गया। अब क्या याद आ गया? ये रहा, आपने बचपन में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी, पर आपने मुझे बचपन में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई, याद है आपको? क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? हाँ किया था आपने, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखा, अपने वादे आप कितनी जल्दी भूल जाती हैं दीदी। अब ये बात तो पुरानी है, याद कैसे होगी? इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है। अब और क्या लिखा है? जब मैं 10 साल की थी तो मैं कॉमिक खरीद कर लाई थी और दीदी ने कहा था कि पहले तुम पढ़ लेना, पर फिर उसके बाद उन्होंने उसे पहले पढ़ा और उन्होंने उसे खो भी दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझसे बिना पूछे मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली और मॉम से कहा कि मैंने वो खा ली है। लगता है दीदी सो गई है, ये कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं सुनती। ये भी ना कितना बोलती है। और अगले दिन मॉम, शिनचैन तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज मुझे नाश्ता दे दीजिए। हाँ, अरे मेरा प्यारा बेटा, नाश्ते में क्या बनाऊँ मैं तुम्हारे लिए? वैसे मुझे नाश्ते में टोस्ट और दूध चाहिए मॉम। ठीक है बेटा। अरे मिस्टर नोहारा, कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिसेस नोहारा इस वक्त बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी, शिनचैन को अभी स्कूल जाना होगा ना? मुझे दरअसल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, मैं बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे तुम काफी बदल गई हो, सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो। जब हमारे घर पर थी ना तो दोपहर तक सोती रहती थी। वैसे एक बात बताइए, आप घर कब तक जाएंगी दीदी? चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? मॉम स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ हाँ मुझे पता है। और हाँ, अरे नहीं मैं योशिनागा मैम को बताना ही भूल गई, अब क्या करूँ? मुसाई तुम्हारे पास साइकिल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ साइकिल है कि नहीं। मेरे पास तो नहीं है दीदी, पर आप मेरी नेबर से ले सकती हैं। मिसेस नोहारा आई। वाह, ये टाइम पर तैयार हो गया। वो तो है। हाँ अरे आज बहुत दिनों के बाद शिनचैन टाइम से तैयार हो गया ना। अपना ख्याल रखना, बाय।
अरे कितनी गंदगी फैला रखी है, मैं सबको साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूँगी। जिसको करना है खुद कर ले, मैं क्यों करूँ। मैंने तुमसे जो मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? दीदी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ। आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, कर लूँगी मैं। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं दीदी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाऊँ, फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूँगी। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर लूँगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप करिए, मैं जा रही हूँ। बाय, शाम को मिलेंगे। बाय। तुमसे जाने को मैं जाने ही वाला था, लेकिन क्या करूँ। अब मैं सुनाता हूँ आपको चुटकुला। ये चुटकुला है हाथी और चींटी के बारे में। एक था हाथी और एक थी चींटी। अरे नहीं नहीं, एक नहीं, देखती हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया है। चींटियाँ थी। अब हाथी ने चींटी से क्या कहा ये बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप भी सोचिए कि हाथी ने चींटी से क्या कहा होगा। जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये गिफ्ट वाउचर। मैसेज आ गया क्या सर? क्या कह रहे हो तुम? आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थे ना, आ गया क्या? मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेजकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगूं? पर माफी मांगने में बुराई ही क्या है सर? वो भी तो मांग सकती है। वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर? मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैम का कोई जवाब आया क्या? अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी? मैं अभी आता हूँ जरा। ठीक है। क्या बेकार के मैसेज भेजता रहता ये शिनचैन मुझे। पता नहीं शीरू को खाना मिला भी होगा या नहीं। क्यों, उसे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मॉम, आजकल शीरू ठीक से खाना नहीं खाता। तुम चिंता मत करो शिनचैन, तुम्हारे डैड ने उसे खाना खिला दिया होगा। डैड ने कुछ बनाया होगा तो ही तो खाएगा ना बेचारा। क्यों, हैरी खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं पर हम खा नहीं पाते। पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं। सच में? सच में का क्या मतलब? तुम ज्यादा हंसो मत। आपका फोन बज रहा है दीदी। ये लो डैड का फोन है। हेलो हेलो डैड डैड। हो गई तुम्हारी डैड से बात? ये लीजिए मॉम, लीजिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी। फोन तो पहले कट गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पेट में दर्द है। हाँ? क्या कहा? कहाँ दर्द है? पेट में। क्या, पेट में दर्द है? हाँ मॉम, उन्होंने तो मुझे यही बताया। मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे। मुझे भी घर जाना होगा। वाह, आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। अरे मित्सी, तुम यहाँ? अब शिनचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है, आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, बल्कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट से डिनर मंगाया है मित्सी। वो देखो। आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? बाहर तो ये खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना, फ्रिज में आ नहीं रहा है तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। मैं खा लूंगा इसे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी। बेकार में चिंता कर रही थी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था।
ताकि आप अपने घर वापस लौट आए। अरे वाह, तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है? वाह, मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना है सच में। अब इतना ज्यादा भी मत खाओ, ये ठीक नहीं है। मैं ये बात भी डायरी में लिखूंगी दीदी। खाना वाकई टेस्टी है ना मिर्ची? बहुत ज्यादा टेस्टी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, अंत भला तो